अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। व्यूअर, आज हम बनाएंगे चमचम कमर्शियल तरीके से कैसे बनते हैं, तो बहुत ही शानदार रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और रेसिपी बहुत आपको पसंद आने वाली है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। व्यूअर, सबसे पहले हम लेंगे पनीर, 5 किलो पनीर है हमारे पास। तो पनीर को बनाने का तरीका का दो उसके वो लिंक जो है मैं सब डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो 5 किलो पनीर है हमारे पास, हमने इसमें आधा चम्मच लगाए पीसी हुई इलायची और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत अच्छी है, कमर्शियल तरीके से हम रेसिपी बना रहे हैं। ये इसको अच्छे थोड़ा सा मिक्स करके तो छोड़ देंगे और जो जो इसमें चीज़ें शामिल होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप करके नहीं देखें। माशाल्लाह से वीडियो बहुत अच्छा बनने वाली है और बहुत ही वीआईपी चमचम बनने वाले हैं। व्यूअर, हमारे पास ये एक स्टील की प्याली है और ये तकरीबन 100 ग्राम इसमें मैदा या रोड जो आप शामिल करना चाहते हैं वो 100 ग्राम आता है। तो ये 3 प्याली हम इसमें करंट फ्लोर की शामिल कर देंगे, जिसे हरा रोट कहते हैं, नशास्ता कहते हैं, माया भी कहते हैं, 3-4 नाम है इसके। तो तीनों चारों नाम मैंने इसलिए ले लिए ताकि आसानी मिल जाए। तो 3 प्याली हमने ये लगा दी हरा रोट की और 1 प्याली हम लगाएंगे इसमें मैदे की। मैदा आपने मुझे 1 प्याली लगाना है। जो जो चीज़ें मैं लगा रहा हूँ सेम यही चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम सूजी, आधी प्याली हमने इसमें शामिल कर दी है सूजी और इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे हम चीनी आधी प्याली और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही वीआईपी रेसिपी बनने वाली है ये सफ़ेद चमचम की जो रेसिपी है, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है ये और सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनाए। इंशाल्लाह ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगेगी। व्यूअर, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पनीर की जो रेसिपी है, पनीर को उबाल के दूध को उसको फाड़ने का तरीका क्या होगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसकी वीडियो पहले लगी हुई है आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लेना, कोई मसला नहीं है। उसी तरीके से आपने दूध को उबाल कर रहा के अपने इसको फाड़ना है, जिसकी फुटियाँ बनानी है इसी तरीके से आपने बनानी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके छोड़ देंगे और हम इसके छोटे छोटे पेड़े करेंगे। तकरीबन 1 पेड़ा जो है हमारा वो 20 ग्राम का होगा। ये देखें, इस तरह से हम गोल कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से, गोल करके फिर इसको थोड़ा सा लंबाई की शेप में लाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से माशाल्लाह ये सारे मैं बना लूँ, तो ये भी आप देख लें ज़रूर ताकि फिर बाद में इतराज़ ना हो किसी का। माशाल्लाह से बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आपसे नेक तमन्नाओं की उम्मीद है। ये देखो चमचम भी कितने देर मैंने सारे इस पर बना लिए। तो अब चलते हैं इसके अगले तरीक़ाकार की तरफ। अगला तरीक़ाकार जो है इसका वो क्या करना है, तो व्यूअर सबसे पहले हमें लेनी है चीनी और शीरा तैयार करना है हमने इसका, चाशनी हमने ये 8 लीटर पानी शामिल किया है और हमने इसमें 30 किलो चीनी ऐड कर दी है, ठीक है, और इसका शीरा बनाएंगे। और दूसरी मज़े की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा हलवाई स्टाइल में ये बन रहे हैं तो शीरा जो है हमारा वाइट कैसे होता है, उसका फार्मूला इसी में है। या आप गौर से देखें कि चीनी को हमने मिक्स किया और ये 1 लीटर हमने शामिल कर दिया इसमें दूध, ये असल फार्मूला है शीरे को वाइट करने का, चाशनी को वाइट करने का असल फार्मूला ये है, दूध, लिक्विड दूध है ये हमारे पास। 1 लीटर था, हमने इसमें सारा शामिल कर दिया इसको अच्छे तरीके से ताकि आपको बनाते हुए चाशनी जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त तरीक़ेकार है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें। व्यूअर,
फिर हमारे पास जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, दरमियानी तार की हमने चाशनी रेडी की है। तो जो चमचम थे हमारे वो हमने इसमें सारे शामिल कर देने हैं इस तरीके से। दरमियानी तार की चाशनी आपने बनानी है, तेज़ तार की चाशनी आपने कभी नहीं रखनी, ये इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो इस तरीके से माशाल्लाह ये सारे चमचम ये हमारे पकना शुरू हो जाएंगे। शीरा जैसे जैसे पकता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, ये ऊपर इस तरह ऊपर आता जाएगा शीरा। तो कोने की मदद से, जाली वाले की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से चलाते जाएंगे। माशाल्लाह से देखें चमचम हमारे माशाल्लाह कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त और वाइट कलर में बने, बिल्कुल प्योर वाइट, बिल्कुल अंडे की तरह साफ़ सुथरे। आपको दिखा भी देते हैं, देखिए माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त, और ये भी चमचम हमारे बन रहे हैं। इसमें किसी चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सबके सामने इसलिए चीज़ बनाते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि आपने हमें ये चीज़ तो बताई नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं बाकी की तरह नहीं हूँ कि कोई चीज़ें इसमें स्किप करके कर लूँ, ये नहीं, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ होगी इंशाल्लाह वो आपके सामने होगी। तो माशाल्लाह से व्यूअर चमचम हमारे जो है काफ़ी हद तक रेडी हो गए। तो थोड़ा थोड़ा इसको लगाएंगे पानी। आपने ये देखा जब चीनी जो है चाशनी आपकी ज़्यादा गाढ़ी हो रही हो तो आपने उसको थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाना है, इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। पानी इसको लगाएंगे तो चमचम जो है थोड़े से मुलायम होंगे, पहले पकते रहते हैं फिर थोड़े हार्ड होते हैं, जब इसको आप पानी लगाएंगे फिर ये सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल स्पंज की तरह फोम की तरह हो जाएंगे, माशाल्लाह चाशनी से भर जाएंगे। इस तरीके से पानी आप लगाते जाएं, मसला नहीं। अगर आप इस तरीके से नहीं पानी लगाना चाह रहे तो आप डायरेक्ट पानी इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं छिड़क के। अगर आप उस जाली वाले कोने की मदद से नहीं लगाना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है। तो चमचम आप मैं चेक करा देता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट होकर बिल्कुल लट्टू की तरह घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से माशाल्लाह चमचम हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप चमचम को हमने दूसरे कढ़ाई के अंदर निकाल लेना है, जिस शीरे में से हमने आधा शीरा इसमें लगा लिया था ठंडा करके, दरमियाना ठंडा है सही है। और सारे चमचम हम इसमें निकाल देंगे, और सारे चमचम इसमें निकाल के बाद में एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ अब मिलेंगे, इंशाल्लाह गुलाब जामुन की रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के मेरे लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।